सीवी के जनाब दो अब फॉर्मेट फॉलो किए जाते हैं पूरी दुनिया, एक है हार्वर्ड स्टाइल सीवी फॉर्मेट और दूसरा है, पहले आप स्कूल का नाम लिखते हैं, फिर आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं, फिर आप अपनी डिग्री लिखते हैं। यूरोप के जितने कंट्रीज हैं सब कंट्रीज के लिए आप लग्जमबर्ग अप्लाई करें, बेल्जियम करें, जर्मनी करें, एस्टोनिया करें, चेक रिपब्लिक करें, इटली करें, आप सब कंट्रीज के लिए ये सीवी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, जी कैसे हैं सब लोग, ठीक ठाक हैं जी? आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हारिस खारा, और आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। थोड़ी मसरूफियत थी एकेडमिकली भी और कुछ प्रोजेक्ट के हवाले से, थोड़ा बिजी टाइम गुजरा एक माह। तो मैंने वादा किया था आपसे कि मैं इंशाल्लाह हर सैटरडे संडे कम से कम एक वीडियो जो है वो इस चैनल पे जरूर अपलोड किया करूँगा। तो आज चूंकि सैटरडे है तो मैं फ्री था। अच्छा आज ना हम सीवी की बात करते हैं। सीवी के सबसे पहले जब आपने किसी प्रोफेसर से रब्ता करना है ना कि मैं आपके पास मतलब रिसर्च करना चाह रहा हूँ, मैं आपके पास डिग्री करना चाह रहा हूँ अंडर योर काइंड सुपरविजन, तो सबसे जो पहला स्टेप है मेल करने, क्योंकि हमने मेल करनी है ना, हमें प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप मेल करते हैं प्रोफेसर को, ठीक है, कि मैं आपके पास पढ़ना चाह रहा हूँ अंडर योर काइंड सुपरविजन, अंडर योर सुपरविजन मेरी ये वाइफ है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, और आपका जो रिसर्च वर्क है वो मेरी रिसर्च से मेरे थीसिस से मैच करता है, या अगर मैच नहीं करता आप लिखते हैं मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं इसमें डिग्री करना चाह रहा हूँ अंडर योर काइंड सुपरविजन, तो क्या आपके पास कोई एमएससी या पीएचडी की पोजीशन है जिसके लिए भी आप करना चाह रहे हैं? अगर आप एमएससी के लिए चाह रहे हैं तो एमएससी लिख दें, अगर आप पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं तो पीएचडी लिख दें। अच्छा अब इस बात के लिए सबसे पहले फिर आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको सीवी चाहिए। अब मेल वाली बात पे बाद में आएंगे, आज का टॉपिक जस्ट सीवी है। अच्छा सीवी के जनाब दो अब फॉर्मेट फॉलो किए जाते हैं पूरी दुनिया में ना, यूजुअली दो फॉर्मेट है इसके, एक है हार्वर्ड स्टाइल सीवी फॉर्मेट और दूसरा है यूरोपा सीवी स्टाइल फॉर्मेट। अब यूरोपास तो हर बंदे को पता है, एक वेबसाइट है यूरोप की, यूरोपास आप लिखिए यूरोपास गूगल पे तो फौरन ही आपके पास वो वेबसाइट ओपन होती है, तो आप जनाब वो उसको फिल करें तो वो आपकी सीवी बनती चली जाती है, वो आपसे डाटा लेती है और वो खुद ही अरेंज करती है वेबसाइट ना, एंड दैट वेबसाइट इज फ्री एक्चुअली, तो वो बड़ा आसान है। यूरोपास अच्छी सीवी होती है यूरोपास, यूरोप में तो मोस्टली सारे मुल्क जितने भी यूरोप के 26-27 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूके वो चलती है। हाउएवर यूएसए और कनाडा में थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हार्वर्ड स्टाइल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, तो मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि आप हार्वर्ड स्टाइल सीवी बनाएं। हार्वर्ड स्टाइल सीवी सिंपल वर्ड पे बनती है और इसमें पहले आप अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, मैं मिसाल देता हूँ बाकी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा ग्रेनफेल कैंपस है मेमोरियल यूनिवर्सिटी का, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा स्कूल ऑफ साइंस एंड द एनवायरमेंट, आगे कॉमा डालूंगा आगे लिखूंगा जी स्कूल ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट, आगे ग्रेनफेल, फिर कॉमा मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड, नीचे मैं लिखूंगा पीएचडी इन बोरियल इकोसिस्टम एंड एग्रीकल्चरल साइंसेज, नीचे मैं लिखूंगा अपना लिविंग लाइब्रेरी रिसर्च प्रोजेक्ट, कॉमा डाल के फिर मैं लिखूंगा क्लाइमेट चेंज रिसर्च, इस तरह करके ये, यानी कि ऐसा नहीं लिखूंगा कि पीएचडी इन, नहीं पहले आप स्कूल का नाम लिखते हैं, फिर आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं, फिर आप अपनी डिग्री लिखते हैं और फिर आप अपना थीसिस लिखते हैं, फिर आप अपनी सीजीपीए बी लिखते हैं, ठीक है, फिर ईयर लिखते हैं जिस ईयर में आप उसको कंप्लीट, अगर अभी मेरी चूंकि प्रेजेंट है तो मैं 2024 टू प्रेजेंट कर देता होता हूँ, ठीक है। ये सीवी का तरीका हार्वर्ड स्टाइल का, मैं पर्सनली हार्वर्ड स्टाइल को प्रेफर करता हूँ। अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यूरोप के लिए कर रहे हैं अप्लाई, यूरोप के जितनी कंट्रीज हैं तो आप यूरोप और सीवी की तरफ जाएं, अगर आप कनाडा और अमेरिका कर रहे हैं तो हार्वर्ड स्टाइल सीवी की तरफ जाएं। तो ये देखें अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यूरोप और सीवी, इसकी एक एग्जांपल है, ये मेरी अपनी पर्सनल सीवी है मैं आपको शो कर रहा हूं, जस्ट मैं अपने क्रेडेंशियल्स हाइड कर रहा हूं और बाकी सारे मैं आपको शो कर रहा हूं, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो है ये यूरोप पास, ये आप यूज कर सकते हैं यूरोप के जितने कंट्रीज हैं सब कंट्रीज के लिए, आप लग्जमबर्ग अप्लाई करें, बेल्जियम करें, जर्मनी करें, एस्टोनिया करें, चेक रिपब्लिक करें, इटली करें, आप सब कंट्रीज के लिए ये सीरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त एक वे है। और ये 3-4 इनके बड़े फेमस फॉर्मेट हैं, ये उन फॉर्मेट्स में आप जब एंड पे जाते हैं तो आपको खुद ही ये डिफरेंट फॉर्मेट शो करना शुरू कर देता है। ये मेरी पर्सनल सीवी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं बहुत ज़्यादा जगह पर ये यूज़ की है, जब मेरा इटली में एडमिशन हुआ था तो यही सीवी मैं यूज़ करता था। अच्छा अभी दूसरी सीवी आ रही है, ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हार्वर्ड स्टाइल सीवी है, आजकल वैसे मैं यही सीवी फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरी लेटेस्ट और अप टू डेट सीवी है। अभी कहीं भी मैं जॉब अप्लाई करना हो या किसी को कोई सीवी सेंड करनी हो तो मैं यही सीवी यूज़ कर रहा हूँ, ये हार्वर्ड स्टाइल सीवी है और ये आप ये भी बना सकते हैं। प्रेफरेबली अगर आप कनाडा और अमेरिका के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया भी चले रख लें उसमें,
तो फिर आप ये हार्वर्ड स्टाइल सीवी फॉलो करें। ये आज सीवी की बात खत्म हो गई जी, ये दो सीवी के तरीके हैं, आप दोनों में से जो सा मर्जी फॉलो करें। तो इंशाल्लाह ये है कि आपको अल्लाह ताला कामयाब करे, अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हक में वो करे जो हमारे लिए बेहतरीन है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।